हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डेली डोज विद एमडी में आपका स्वागत है। आज की कहानी थोड़ी डरावनी है, तो सुनिएगा, पीछे मत मुड़ना वरना तुम्हारी मौत तय है। एक रात मैं अपने गांव के मित्र अवधेश के साथ अंधेरी रात में खेत के रास्ते बस स्टैंड की तरफ जा रहा था, तो मेरे मित्र ने कहा, दोस्त थोड़ा जल्दी चलो, इस खेत से अगले दो खेतों तक थोड़ी समस्या है। तो मैंने पूछा, क्या बात है? तो उसने बार बार बात को टाल दिया, लेकिन मेरे ज़्यादा दबाव डालने पर उसने पूरा किस्सा सुनाया। बहुत साल पहले अपने गांव से रात को इन्हीं खेतों से एक आदमी गुजर रहा था। रास्ते में वो पेशाब करने के लिए एक पेड़ के नीचे रुक गया। उसके बाद वो जैसे थोड़ा चला, उसे किसी बच्चे के रोने की आवाज़ आई, तो उसने सोचा रात को पहरा देने वाले का बच्चा होगा। लेकिन तभी याद आया कि ये खेत तो रामेश्वर काका का है, जो 3 साल पहले यहाँ फांसी लगाकर मर गया। वह आदमी सहमे हुए कदमों से आगे बढ़ता रहा और उसके दिमाग में उन लोगों की बातें याद आई कि इस खेत से गुजरते वक्त रात को कभी पीछे मत मुड़ना, कोई रास्ता पूछे तो उसकी आंखों और पाँव को मत देखना, कोई कितना भी बोले मत सुनना। ये सब बातें दिमाग में सोचने से उस आदमी की हालत बहुत बुरी हो गई और सोचने लगा कि उसने यहाँ आने से पहले ये सब क्यों नहीं सोचा। और जैसे जैसे आगे बढ़ता, वैसे वैसे बच्चे की आवाज़ और तेज होती जाती और ऐसा लग रहा था जैसे वो उसके साथ ही चल रहा हो। तभी अचानक उसने देखा कि एक पेड़ से बंधे झूले में बच्चा लेटा रो रहा था, तो डरते हुए उसने आवाज़ लगाई कि ये किसका बच्चा है, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं आई, तो डर के मारे आगे बढ़ गया। लेकिन बच्चे की खिलकारी सुनकर उससे रहा नहीं गया और उसने पीछे मुड़कर देख लिया, तो उसने देखा वो बच्चा झूले में उसके पीछे पड़ा था। रहम के मारे उसने उस बच्चे को गोद में उठाकर भागने लगा। थोड़ी देर बाद वो बच्चा उसे भारी लगने लगा और देखकर चौंक गया कि उसके पैर लंबे होकर जमीन को छूने वाले थे। उसने घबराकर बच्चों को गोद से गिरा दिया। जैसे ही वो बच्चा गोद से गिरा, तो बच्चा बड़े आदमी की तरह जोर से हंसकर बोला, तू आज तो बच गया, अगर मेरे पैर जमीन छू लेते तो तुझे आज यहाँ कोई नहीं बचा सकता, तेरी मौत तय थी। एक कहते ही वो बच्चा गायब हो गया। वो इंसान गिरते पड़ते घर तक पहुंचा और घर पहुंचते ही बेहोश हो गया। जब उसे होश आया तो उसने ये गाँव वालों को ये सारी कहानी बताई। और आज भी ऐसे ही घटनाएं कभी कभी यहाँ पे घटती रहती है। तो फ्रेंड्स, आपको ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में बताइए, और कहानी को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।